नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप और आप देख रहे हैं पल्स बाइट टीवी। हमारे देश में आए दिन न जाने कितने लोग नशीले पदार्थों का सेवन करने से मौत का शिकार हो रहे हैं। कोई ड्रग्स ले रहा है तो कोई स्मोकिंग करता दिखाई देता है। बड़ी से लेकर छोटी एज ग्रुप तक के लोग इन नशीले पदार्थों का हर रोज सेवन करते हैं। आप लोग भी रोज न जाने कितने ऐसे लोगों को देखते होंगे जो जगह जगह स्मोकिंग करते हुए नजर आते हैं। परेशानी की बात तो ये है कि वो इससे ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बात कर रहे हैं पैसिव स्मोकिंग की। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि आप खुद ड्रग्स का सेवन नहीं करते लेकिन आपके आसपास खड़ा व्यक्ति स्मोक करता है तो उससे निकलने वाला धुआं आपकी सांसों में भी जाता है जिससे इनडायरेक्टली आप भी स्मोक करते हैं। इसे ही पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि जो मौत का धुआं वो छोड़ रहे हैं वही धुआं बाकी लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है। अब एक सवाल ये है कि स्मोकिंग में ऐसा क्या है जो ये कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बना लेती है और एक बार ये लत अगर लग जाए तो फिर उम्र बढ़ती जाती है लेकिन सिगरेट की तलब नहीं मिटती। ऐसा क्या है जो जानते समझते हुए भी इंसान नशे के रास्ते पर चलता हुआ धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाता है। तो सवाल ये है कि स्मोकिंग में मौजूद निकोटीन पदार्थ आपके दिमाग की नसों को शांत करता है। स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में लोग स्मोकिंग को अपना दोस्त बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन यही वो जन्नत का रास्ता है जो आपको सारी परेशानियों से दूर ले जाएगा। स्मोकिंग करने में चीन के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। अब सवाल यह है कि सरकार मौत के इस धुएं पर बैन क्यों नहीं लगा रही। आखिर कब तक सरकार गर्त में जाते नौजवानों की इस हरकत को यूं ही नजरअंदाज करती रहेगी। हालांकि यहां पर परिवार वालों को भी खास ध्यान देने की जरूरत है। हैरानी की बात तो ये है कि बड़ी से ज्यादा छोटी उम्र के बच्चे स्मोकिंग करने लग गए हैं क्योंकि कम उम्र के बच्चे इसको अपना लाइफस्टाइल का ही पार्ट मानते हैं। वो समझते हैं कि स्मोकिंग करना मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाना है जबकि वो ये नहीं जानते कि ये सब करने से वो अपनी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्मोकिंग करने वाले लोग अपनी जिंदगी नहीं बल्कि स्मोकिंग ना करने वाले लोगों की जिंदगी को भी अपने धुएं की चपेट में ले रहे हैं। आखिर कब तक मौत का ये धुआं चलता रहेगा। हम स्मोकिंग पर तो बैन लगाने की सोचते हैं लेकिन कोई सिगरेट पर बैन लगाने की कभी नहीं सोचता क्योंकि अगर हम सिगरेट पर बैन लगाने की सोचेंगे तो न जाने कितनी कंपनीज घाटे में चली जाएंगी। सरकार को स्मोकिंग पर नहीं बल्कि सिगरेट पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि अगर सिगरेट ही नहीं होगी तो कोई स्मोकिंग करेगा ही क्यों। आखिर कब तक सरकार इसको यूं ही अनदेखा करती रहेगी। इस मौत के धुएं पर रोक लगाना बेहद ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। अगर सरकार ने इस पर जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे और अपनी जिंदगी का गला घोटते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।